राम जी ने रच करके रखा था। 35 साल में हम बने थे और 35 साल में हमारा बेटा बन रहा है। और भाइयों, 35 साल, 12 साल का एक युग होता है, 10 साल का, 12 साल का युग होता है। युग अस्सी में मैंने राजनीति शुरू किया था, 44 साल हो गया, लेकिन मेरी गोंडा की जनता ने 44 साल के अंदर कभी भी अपने विभूषण को अपने नजरों से नीचा दिखाने का काम नहीं किया। आज वो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, बेटा वो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं कमजोर का साथी। नरसिंह यादव को 5 साल पहले मुझे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नरसिंह यादव क्वालिफाई किया था, वो जीत करके आया। इन लोगों ने कहा हमारा ट्रायल कराइए, ट्रायल कराने की परंपरा नहीं थी। हमने कहा हम ट्रायल नहीं कराएंगे। वहीं से मेरा विरोध शुरू हुआ, क्योंकि नरसिंह यादव बनारस का रहने वाला था, एक गरीब परिवार का था, बाप उसका खेती करता है, बाप उसका दूध बेचता है, और उसका लड़का वर्ल्ड चैंपियनशिप में विदेशी पहलवान के सीने पर बैठ करके क्वालिफाई हुआ था, उसका हक ये लोग मारना चाहते थे, हमने मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसके खाने में धोखे से नशीला पदार्थ मिलाया। उस विषय को मैं प्रधानमंत्री जी के पास लेकर गया, प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी मदद की, नरसिंह यादव को हम लेकर गए विदेश, लेकिन इन लोगों ने फिर खंडन कर दिया। नरसिंह यादव का वजन हो चुका था लेकिन कुश्ती नहीं लड़ पाया, और वहीं से शुरू हुई ये कहानी। और मेरे भाइयों, जो कुश्ती संघ का मैं अध्यक्ष बना था वो किसी के दया पर नहीं बना था, अपने पुरुषार्थ पर बना था, अपने जौहर पर बना था। और भूपेंद्र हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा के बेटे भूपेंद्र हुड्डा को 53 वोट पड़े थे मात्र, नहीं 57 वोट पड़े थे मात्र, 3 वोट उनको मिले थे, 54 वोट पाकर के मैं जीता था। लेकिन मेरा उसी समय से विरोध शुरू हो गया जब मैंने न्याय करना शुरू किया, आसाम के साथ न्याय करना शुरू किया, बंगाल के साथ न्याय करना शुरू किया, मिजोरम के साथ न्याय करना शुरू किया, नागालैंड के साथ न्याय करना शुरू किया, बिहार के साथ न्याय करना शुरू किया, बंगाल के साथ। जब मैं कमजोर प्रांत के जो खिलाड़ी थे उनको जब मैंने संरक्षण प्रदान करना शुरू किया, उसी दिन से ये लोग मेरे विरोधी हो गए। ये सब मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीना पाते थे, इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ है जो मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीना ना लिया हो, लेकिन सब एहसान का धरा रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, पदलो भी आलोचक कैसे करते, मेरा मैंने जो कुछ गाया उसमें गौड़ा था सिंगार, कोई कार्यकाल ऐसा नहीं गया जिसमें ओलंपिक में मेडल लाया हो। देश के लोगों ने मुझसे कहा कि आप कुश्ती से जुड़े रहिए, हमने कहा कैसे जुड़े रहे, कहा करण भैया को कुश्ती का अध्यक्ष बनाइए, और इन्हीं करण भैया को हम कुश्ती का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तभी नहीं खिलाड़ियों ने, नहीं पैमानों ने हमारे नेताओं से मिलकर के कहा कि उनके परिवार का कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। मैं करनैलगंज की धरती से उन 500 किलोमीटर बैठे हुए, दूर बैठे हुए उन खड़े अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को 6 महीना पहले तुमने कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने नहीं दिया, वो आज कैसरगंज से सांसद बनकर दिल्ली में जा
बैठेगा। और इसलिए मेरे भाइयों, इस चुनाव पर सबकी निगाह, इसलिए अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, जब करनलगंज विधानसभा खुलती है तो दो राउंड तक हम हारते हैं, मेरा सारा चार किया धरा सब गप्पा गप चला जाता है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप बहादुर जात के लोग हो, बहादुर की गलत करते हो, मैंने भी आपकी कभी बेइज्जती नहीं की है, मैंने भी कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया है, आपका वोट भी मेरे अलावा कोई मांगने नहीं आएगा। जो माहौल है, कोई आपका वोट मांगने नहीं आएगा।